मत डर पे मत डर पे फुल सपोर्ट देरी से, मत डर पे मत डर पे फुल सपोर्ट देरी से, पूरी दुनिया में नहीं रेस की जय जयकारे अरे बेटी का बाप का त्रिक साइकिल चलाओगो यल और कोई पीसा टका तो देरे कौन मारो बेटा कितना देवो ला 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 डॉलर चाहिए सो ला 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 घर ओ तोरी पिंड वाली से मारे उठ देख तो तेरी से मारे उठ देख तो अरे आज कहीं पीसा टका दे बड़ा और साइकिल ना तो हेलीकॉप्टर बना दियो आज सुबह सुबह योगी जी ने तो कांड बैठा दिया विकास दुबे का। तो विकास के साथ क्या हुआ? विकास के साथ वही हुआ जो उसके साथ होना था, तरीका शायद गलत हो, आओ या सही हो, हमें नहीं जाना उस चीज पे। और क्या ब्राह्मणों के खिलाफ प्रभु? नहीं, आप ही तो हमें मोक्ष के द्वार पे ले जाएंगे। ब्राह्मण आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अच्छा, आपको उसी वजह से लग रहा होगा विकास का मैंने बोल दिया ना भाई। विकास बहुत ही पुण्य व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था। हमें उसकी मौत का बहुत दुख है। बस अब नाराज मत हो पंडित जी, तुम नाराज हो गए, कैसे काम चले हमारा? आओ चलिए देखिए, बाकी जीवन में एक बात सोचिए कि हम पहले तो आदमी हैं यार, उसके बाद हम ब्राह्मण हैं, हम हरिजन हैं, हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, उसके बाद है। और आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप ये क्यों नहीं देख ले रहे कि उसने मारा किसको था? जो सीईओ था, जो सबसे बड़ा अधिकारी था, वो भी तो पंडित ही था जिसका इसने गर्दन काट दी थी। हथौड़े से पैर और गर्दन काटी थी इसने, समझ में आया? ये महाहराम का बीज था, इसको ठोक दिया, बहुत अच्छा किया। और इसने दिन दहाड़े क्या क्या नहीं किया, थाने में घुस के किया है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इसको बीजेपी का भी सपोर्ट था, इसको सपा का भी सपोर्ट था, और बीएसपी कांग्रेस सबका ही सपोर्ट होगा। गुंडे बदमाशों के हर पार्टी सपोर्ट में रखती है, लेकिन इसका ठोकना ठीक ठाक इलाज था। हम ये सवाल उठा सकते हैं कि किया बहुत गलत, लेकिन जो किया वो सेट किया। इसका इंतजाम करना जरूरी था ऐसे बंदों का, इसने ज्यादाती कर दी थी और उस अति का परिणाम होना था। और आप इसको अपनी जाति से बतकते ही मत जोड़िए, है ना? कतई भी मत सोच के चलिए कि इससे हमारी जाति का मन, ना ना, तुम्हारी जाति का एक कीड़ा हट गया भाई। ऐसे सोच के चलो, पॉजिटिव सोचो। क्या इसमें ब्राह्मण हो? तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें तो जाति में जाना ही नहीं चाहिए। मेरे जैसे जो अनपढ़ गंवार आदमी है, जिसकी उम्र हो गई, जिसके पास और कुछ है ही नहीं, उसको ये सोचना चाहिए। तुम तो अभी स्टूडेंट हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम ब्राह्मण हो? तुम तो स्टूडेंट हो बेटा। वहां पे जो अभी झगड़ा चल रहा है, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूं, राजपूत समाज से कोई झगड़ा नहीं है, राजपूत समाज के व्यक्तियों से, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो ज्यादातर जो आदिवासी उस सेक्टर आदिवासी बेल्ट में जो आदिवासी जनजाति में आते हैं, वो है भील ग्रासिया। और भीलों ने महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई लड़ी है, महाराणा प्रताप के साथ अकबर से मुगलों से इज्जत करते हैं। अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि हम में किसी कोई जातिवादी बात कर रहा हूं, तो